हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाला इंशाल्लाह रिएक्शन। दोस्तों, बहुत ही लंबे अरसे के बाद आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मेजर गोलवारिया की वीडियो पे, जिसमें वो बात करेंगे कारगिल वॉर और कह रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान आर्मी की सीक्रेट्स बातें हैं जो आज की वीडियो में वो रिवील करने वाले हैं। सो बिना देरी के करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे, जो हमारे बड़े थे, इनकी पतलू ने 93,000 ढाका में उतार चुके हैं। दोस्तों, 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलू ने उतारने लगा है। कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। फिर कहते हैं 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े। हाँ, हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े। पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा है दोस्तों, उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी, हमें तो पता ही था। भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पे नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। भाई साहब, इनका नाम नहीं लेते थे, कह रहे पता नहीं कौन है, मर गए जाने दो, हमारा कोई नहीं है ये, हम इसको जानते ही नहीं कौन है। एक था कप्तान, कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो इसको जानते ही नहीं है कौन है, हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया होगा कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा, हाँ हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े, 1947-48 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 65 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 71 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, कारगिल में भी बड़ी बहादुरी से लड़े। ये भी बोल दो, ठीक है आसिम मुनीर, जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे, उनकी भी तारीफ कर देना कि बड़े बहादुरी से। देखो सुनो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं ये क्यों सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली इवन इन 1949 ये पाकिस्तान की फौज इतनी छोटी फौज है, आज मैं इस फौज की पतलून उतारता हूं, जो हमारे बड़े थे इनकी पतलून ने 93,000 ढाका में उतार चुके हैं। दोस्तों, 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलून ने उतारने लगा है। देखो 1947-48 में जब कबायली आए थे उनके साथ पाकिस्तानी फौज भी आई थी, तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तानी फौज है ही नहीं, ये तो कबायली हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारा कोई। अब खुद उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि 47-48 में भी बहादुरी से लड़े। कैसे बहादुरी से लड़े भाई, तुम तो थे ही नहीं यहां पे। दोस्तों, जो दूसरी बड़ी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ 1965 में, 1965, इन्होंने फिर यही बेवकूफी करी। और इन्होंने पता है क्या सोचा था, इन्होंने ये सोचा था कि साहब वहां से कबायली अंदर आ जाएंगे, इरेगुलर्स आ जाएंगे, वो दंगा फसाद करेंगे पीछे से। और इन्होंने एक साल पहले रण ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में है, वहां पे एक्शन करना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर बाद में हुआ। और जंगी जनून किसके सर पे चढ़ा, जंगी जनून चढ़ा सर पे जुल्फिकार अली भुट्टो के, जो कि प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है जी, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा पूरी 1965 की बात, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये चढ़ दौड़े, फिर इनको जूते पड़े। लेकिन जूते पड़ने से पहले इन्होंने अपने इरेगुलर्स भेजे, अपनी पाकिस्तानी फौज नहीं भेजी, इन्होंने 1965 में अपने इरेगुलर्स भेजे, सादी वर्दी वाले। और इनका यह आइडिया था कि जब वो घुस जाएंगे अखनूर साइड से, जब वो घुस जाएंगे और वो कश्मीर पहुंच जाएंगे, तो कश्मीरी मुसलमान खड़ा हो जाएगा। और कश्मीरी मुसलमान, इनको लगा कि 20,000 कश्मीरी मुसलमान वहां पे तैयार है हमारी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के खिलाफ। वहां पे कश्मीरियों ने आपको पता है क्या करा, कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। इट्स अ फैक्ट, आप जाके चेक कर लेना हिस्ट्री, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूं, आप भी जाके चेक करो हिस्ट्री, ना इंडिया का वर्जन पढ़ना ना पाकिस्तान का पढ़ना, आपको जिस पे भरोसा है उस मुल्क का वर्जन पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। इंडियन मुस्लिम्स, कश्मीरी मुस्लिम्स ने जाके इंडियन आर्मी को खबर दी कि सर ये पागल के बच्चे यहां पे, पता नहीं पाकिस्तानी कौन आ रहे हैं, जरा सुअरों को मारो। ठीक है, वहां से जब लड़ाई शुरू हुई तो प्रेशर आया इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर। जब इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि साहब आप तो इनको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, पाकिस्तानी फौज आ गए, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, तब जाके इंडिया ने लाहौर वाला फ्रंट खोला। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना अपने बच्चों से कि हमने लाहौर बचा, और लाहौर तो बचा बचाया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, उसके एक साल पहले यानी कि 1964 में तुम लोगों ने रण ऑफ कच्छ में क्या करा था, जरा ये भी अपने बच्चों को तो बताओ जरा। फिर कहते हैं 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े,
हाँ हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े जब 93,000 ने सरेंडर कर दिया था ढाका में, अभी भी तुम्हारी पतलून टंगियां सूख रही हैं, अभी तक सूखी नहीं जब से गीली हुई थी, राइट, ये भी हमें पता है कितनी बहादुरी से तुम्हारी फौज लड़ी। और 1999 कारगिल, वाह वो तो बहुत ही खतरनाक एक्शन था तुम्हारा, आए कारगिल पे चढ़ दौड़े। जब इंडियन आर्मी ने एक्शन शुरू करा और इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे बम मारने शुरू करे और इंडियन नेवी ने वहां पे बिल्कुल कराची के सामने अपनी बोट्स लगाई, इनका गला सूख गया। इन्होंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं था इतनी बुरी तरीके से मारेंगे, इतनी बुरी तरीके से मारेंगे। नवाज शरीफ गया, फोटो दिखाओ एडिटर नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ गिर गया बिल क्लिंटन के कदमों पे, क्या भाईजान माफ कर दो, माफ कर, रास्ता दे दो, हमारे बंदे निकल जाएं, ये परवेज मुशर्रफ पागल का बच्चा है, इसने हमें बताया नहीं क्या कर रहा है। आपको पता है जब ब्रीफिंग चल रही थी, मैं दोस्तों मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की, फौजी जब ब्रीफ कर रहे थे नवाज शरीफ का दिमाग चिकन सैंडविच में था, वहां पर चिकन का सैंडविच रखा हुआ था, फौजी अफसर बता रहे होंगे इसको कि सर ये चोटी है यहां पर हम जाएंगे ऐसा करेंगे, ये मुंह में ठूस रहा था, स्टफिंग हिज फेस विद चिकन सैंडविचेस, तभी तो गड़बड़ हो गई पाकिस्तान में। अच्छा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक तो जनरल आसिम मुनीर ने बोला है क्या हो गया वहां पे, पाकिस्तान की सड़कों में बवाल हो गया दोस्तों, पाकिस्तान में पूरा एक हजूम इकट्ठा हो गया लाखों लोगों का, और उसने बोला कि चलो जेल, उसने बोला चलो जेल, और बोला कि आज हम इमरान खान को जेल से छुड़ा के मानेंगे, वहां पर फायरिंग हो गई। अब तक पाकिस्तानी मीडिया यह नहीं बता रहा कि कितने लोग मरे, कोई कह रहा है दर्जन मरे, कोई कह रहा है 20 मरे, कोई कह रहा है 2 दर्जन मरे, 50, नोबडी नोज, कोई कह रहा कोई भी नहीं मरा, ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा, सिर्फ लाठी चार्ज हुआ है, सिर्फ वाटर कैनन हुई है, सिर्फ टियर गैस हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो, और किसी ने बहुत ही खूब कहा था कि आप हिस्ट्री को बदल नहीं सकते, आप हिस्ट्री को छुपा नहीं सकते हैं। जैसे आसिम मुनीर की वो बात कर रहे थे, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि हम 1947 में लड़े, 48 में लड़े, पैंट में लड़े, 71 में लड़े, कारगिल में लड़े, लेकिन पहले तो ही कहते थे कि हम तो 1947-48 में लड़े नहीं थे, वो तो कबायली थे उस तरफ से जो आ गए थे, हमारा तो नहीं। फिर इन्होंने कारगिल भी कहा कि कबालियों ने हमला किया, हमारी आर्मी तो थी, 2000 से ज्यादा लोगों की शहादतें वहां पर हुई थी, जिनकी लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं। आज ही 2024 में कह रहे हैं कि वो भी हम थे, 1948 में भी हम थे, फिर 1965 में भी हम थे, फिर 1971 में भी हम थे, और जब जब जंगे हुई हैं तब इन्होंने कहा हम तो हैं नहीं, ये तो कबायली है, ये तो लोकल है, ये तो जहादी है, ये तो पता नहीं कहां से आ गए, और अपने बंदों को लेने भी नहीं हम गए डर के मारे कि कहीं हम पे अटैक ना हो जाए। अगर जंग करनी होती है तो फिर बंदा सीना खोल के करे ना, जैसे रशिया यूक्रेन की है, जैसे इसराइल और फलस्तीन की है, लड़ी रहे हैं ना ओपनली, ऐसा तो नहीं कहते कि हमास के बंदे मर जाए तो हमास के ये मेरे नहीं है, और इसराइल के मारे जाए तो इसराइल के ये मेरे नहीं है। तो आपको वो चीजें ऑन करनी पड़ती हैं अगर आप इस तरह के किसी भी एक्शन का हिस्सा है। और जहां पर बात रही 1971, क्या हमने भी सुना कि 1971 में हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी है? ठीक है, लड़ी होगी, बहुत से लोगों ने अपनी जाने भी कुर्बान की होगी, लेकिन अगर ये सबकी कलेक्टिवली बहादुरी होती तो फिर आज बांग्लादेश हमारे सामने कैसे है? वो तो पाकिस्तान ही रहता है। जब आप लड़ लेते हो, अब बहादुरी से लड़ना क्या होता है, मतलब जीतना, अगर आप जीते हो तो फिर बांग्लादेश कैसे बना? अगर आप कारगिल में जीते हो तो कश्मीर फिर आपके पास क्यों नहीं है? अगर आप 1965 में जीते हो तो फिर तो दिल्ली आपके पास होना चाहिए था, पंजाब आपके पास होना चाहिए था। तो मतलब ये कि कुछ लम्हे की खुशी के लिए किताबों के अंदर झूठ लिख देना और अपनी आवाम को खुश करना, और 2024 में आप उसी के ऑपोजिट बयान दे रहे हो कि वो हम ही थे, तो फिर आप खुद ही एक्सपोज कर रहे हो। यहाँ पर जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो किताबें तो इतनी पढ़ते नहीं, बुक्स इतनी ज्यादा महंगी हैं, और जिन प्रोफेसर ने ये बुक्स लिखी हैं वो जो पढ़ेगा उसी को आइडिया होगा ना कि क्या कौन जीता था कौन हारा है। अब टीवी में तो वो यही बताते हैं कि हम जीते थे, जो हम अपनी क्लासरूम में बुक्स पढ़ते हैं उसमें भी बताया जाता है कि हम जीते थे, तो वो बच्चे बेचारे से ये बोलते हैं कि हम ही जीते थे, क्योंकि उनको क्या पता है कि किताबों में झूठ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब के जो यूथ है उनको पता है कि कौन सी जंग हम जीते थे और कौन सी हारे, अब वो ओपनली आ रही है। और ये जो स्ट्रेटेजी की बात करें 1965 में कि ये कश्मीर की तरफ एक्टिव हो गए और इंडिया ने लाहौर की तरफ अटैक कर दिया था, इनके जहन में भी नहीं था कि इंडिया जो है
लाहौर के बॉर्डर्स खोल देगा। और फिर वो जो मुझे याद है मेरे अब्बा बताते होते हैं कि उस टाइम कोई प्रिपेयर ही नहीं था, इवन दो आर्मी भी नहीं थी, और जब इंडिया ने लाहौर की तरफ से पाकिस्तान में अपनी एंट्री की और ये जिसे बोलते टैंक्स लेके आए तो सारे हक्के बक्के रह गए थे। ये हो गया क्योंकि इन्हें लगा कि वो कश्मीर को इंडिया कश्मीर में भुगताएगा, लेकिन कहते हैं ना कान सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, बात एक ही है। फिर इंडिया ने लाहौर वाली साइड को कैप्चर कर, फिर इन्हें वो वाली साइड ऑटोमेटिकली छोड़ना पड़ी। तो जंग के लिए असला चलाना जरूरी नहीं है, ये माइंड स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा। आप किसी पे अटैक कर रहे हो तो आप सोचो वो भी तो खुद को सेफ करेगा ना, वो भी अपना डिफेंस करेगा। आगे इंडियन आर्मी खड़ी है, अगर आप उनको एक जगह से घेरोगे वो आपको चार जगहों से घेरेंगे। आप ये क्यों सोचते हो कि वो एक ही जगह पे लड़ते, इतनी बड़ी आर्मी है। शुक्र करो पाकिस्तान दे दिया है, अब आप लोग कहते हो कश्मीर भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, हमारे पास क्या बचेगा, जो दे दिया वो दे दिया, अब इनको कुछ नहीं मिलना। हाँ ये बिल्कुल बात सही है, कोई भी मुल्क अपनी तकसीम नहीं जाता है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जैसे मेजर सर ने बोला कि आप ना पाकिस्तान की बुक्स पढ़ो ना इंडिया की पढ़ो, एक तीसरे थर्ड पार्टी की बुक पढ़ो कि कश्मीरियों ने जाके खुद इंडियन आर्मी को कहा कि भाई कोई घुस गया हमारे कश्मीर के अंदर, जाके इनको पकड़ें। और कश्मीरियों की अगर बात करें तो इंडिया के कश्मीरियों ने हमेशा इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, उनके राजा ने भी सपोर्ट किया था इंडिया का, और इंडियन कश्मीरियों ने भी सपोर्ट किया। यहाँ पे जो नैरेटिव बनाता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारे साथ आना चाहते हैं, वो सिर्फ इस बाउंड्री तक है। अगर सच की बात है तो आज तक कभी कश्मीर में ऐसा कोई एहतजाज तो नहीं हुआ कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। सो ये थी वीडियो, और आपको कैसी लगी रेकमेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।